नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बड़ी अध्यात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों फिर हाजिर हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। हर मंडी में दोस्तों उछाल है, चाहे लोकल मंडी हो, चाहे बाहर की मंडी हो, कोई भी मंडी हो, चाहे साउथ की मंडी हो, चाहे कहीं राजस्थान की मंडी हो, हर मंडी में दोस्तों आलू में उछाल देखने को मिला है। और ये उछाल दोस्तों बना है उसके कई कारण है। कारण ये है कि एक तो बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया तो मंडियों में बैलेंस नहीं बच रहा है, आलू की खपत हो रही है, आलू ज़्यादा बिक्री हो रही है। और दोस्तों आज जिन जिन मंडियों में उछाल है उनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जब भी मैं वीडियो डालूं आप सब लोगों के पास तुरंत पहुंचे, उससे ही होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छी अपडेट आलू के लिए। आज आलू के भाव के बारे में बात करेंगे पूरे भारत की समस्त मंडियों के, और बात करेंगे दोस्तों क्या कारण है, क्यों आलू में धीरे धीरे करके, जैसे लोग बोल रहे थे कि आलू का ये होगा वो होगा, आलू बहुत ज़्यादा हो गया इंडिया में, ये हो गया लास्ट ईयर से 10% ज़्यादा हो गया, 15% ज़्यादा हो गया, तो वो ज़्यादा का क्यों नहीं असर हो पा रहा है मंडियों के ऊपर दोस्तों। तो उनकी भी अगर हम बात मान लेते हैं उन लोगों की कि ज़्यादा का, अगर वो ज़्यादा बता रहे थे तो फिर क्यों असर नहीं हो पा रहा, तो उसका जवाब दें, उसका क्लेरिफिकेशन आज दें। और ज़्यादा है तो उसके बाद इतनी अच्छी खपत आलू की कैसे हो रही है, तो उसके ऊपर भी बात करें। जब हम शादियों की बात करते थे तो लोग मजाक बनाते थे, जब हम जो होटलों में जो मीटिंगें चल रही हैं और जो दो साल से जो काम पेंडिंग पड़े थे, जो मीटिंग नहीं हुई थी, जो टूर नहीं हुए थे, उनकी हम बात करते थे तब भी लोग मजाक बनाते थे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम ये कहते थे कि चिप्स का आलू चिप्स में जा रहा है, चिप्स की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तब भी लोग मजाक बनाते थे। जबकि चिप्स का दोस्तों इतने पर्यटक जो इस समय शिमला मनाली और वहाँ पर ढेर वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं और पर्यटक वहाँ जाके सबसे ज़्यादा चिप्स की खपत वहीं होती है जहाँ पे हिल स्टेशन है, जहाँ पे लोग जहाँ पे पर्यटन होता है, जहाँ पे लोग यात्री वगैरह पहुँचते हैं, चिप्स आजकल वहीं लोग, बहुत से लोग दिल्ली विल्ली, यहाँ के लोग तो हम लोग कम खाते हैं पर दिल्ली विल्ली में तो बहुत लोग चिप्स खाते हैं, और वहाँ जाकर अपना जो भूख लगी तो चिप्स का पैकेट खोल लिया, खा लिया, 20-20 रुपए के पैकेट दुनिया भर के खा जाते हैं। तो ये है दोस्तों, वो भी आलू से ही बनता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और है कि भाव बताने से पहले मैं और एक चीज़ बताता हूँ निकासी के ऊपर। तो निकासी दोस्तों अब 2-3 दिन से थोड़ा सा स्लो हुई है, क्योंकि किसान का एक मेंटेलिटी होती है जब मंडियाँ बढ़ रही हैं तो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा मिल जाए, ज़्यादा पैसा मिल जाए। किसी किसी एरिया में निकासी हल्की हो गई या किसी किसी एरिया में, हमारे यहाँ भी आज अगर बोली लगे कोल्ड पर तो काफ़ी वानगी खुलेंगी और बिक्री भी काफ़ी होगी, ठीक ठाक होगी। लास्ट ईयर से अगर कंपेरिजन करें तो बहुत अच्छी निकासी हुई है। तो कई चीज़ें हैं आलू में, कई तरह के समीकरण हैं, वो सब अपना अपना काम करते हैं। बाकी ये है दोस्तों रेट अच्छे मिल रहे हैं, और चाहे वो कोई भी वो हो, अब जैसे एक्सपोर्ट की बात करें तो गुजरात से काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं अपनी ओमान वगैरह का मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, और यही है कारण। और दोस्तों श्रीलंका की भी खबर है कि श्रीलंका के लिए भी आलू थोड़ा बहुत जा रहा है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ से नहीं जाता है वो, या सब आलू या तो गुजरात का आलू जाता है, और अगर हमारे यहाँ से कहीं के लिए कोई सीढ़ी डायरेक्ट रोड लोडिंग नहीं है, ठीक है ना। इधर श्रीलंका के लिए उधर मेट्रोपालम वगैरह से इधर चेन्नई वेन्नई साइड से भी चला जाता है आलू। तो बाकी ये सब चीज़ें बात की हैं, बाकी आज के भाव सुन लो आप सभी लोग। आज भाव मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है हर मंडी में। अब जब मंडी, ये ध्यान रखना कि मंडी अगर तेज हुई और फिर मंडी, एक तो मंडी की तेज होना और एक मंडी में स्थिरता आना, जब स्थिरता मंडी में आ जाती है तब उसके बाद तेज की खरीद होती है। लगभग 4-5 दिन व्यापारी लोग देखते हैं कि हाँ मंडी स्थिर है, के कोई नकली वो तो नहीं है, तो इसके बाद वो तेज़ी से आलू खरीदना शुरू करते हैं। और फिर बहुत सी मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ से डिमांड है, काफ़ी लोडिंग चल रही है और महंगे महंगे जो आलू खरीदे गए हैं वो सब लोड होकर जा रहे हैं, तो आ ही रहे होंगे पैसे, फिर व्यापारी अपना व्यापार का जाने, बाकी हमारा काम आप लोगों को अपडेट करने का है। दोस्तों निवेदन यही है कि आलू हर भाव में बेचते चलो, जो भाव चल रहे हैं इस साल, किसान भाई सोशल मीडिया के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और धीरे धीरे करके अपना आलू निकालते जा रहे हैं, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा, आलू रुके नहीं, हर भाव में अपना आलू बेचते रहें। तो चलिए दोस्तों भाव की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज सबसे पहले गुवाहाटी मंडी की। तो दोस्तों गुवाहाटी मंडी में आज बढ़िया रेट है, गुवाहाटी मंडी आज बिकी है तुम्हारी 21 रुपये से लेकर 22 रुपये किलो तक, बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर और हल्की क्वालिटी का 20 रुपये से लेकर 19 से लेकर 20 रुपये किलो तक गुवाहाटी मंडी में आज आलू बिके। बात करते हैं दोस्तों कोटा मंडी की। आज कोटा मंडी का आज मैं आपको भाव बता देता हूँ, राजस्थान कोटा, इसमें लगभग 13 गाड़ी है, हल्के आलू बिकते हैं दोस्तों कोटा मंडी में, ध्यान रखना। और कोटा में एक्स्ट्रा सुपर आलू 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपये किलो तक, और चेचक वाला भी 11 से लेकर 12.5 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मुंबई मंडी की। तो मुंबई में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 18 रुपये किलो तक बिके हैं, एक आध लॉट 18.5 रुपये किलो भी बिक गया है,
और हल्की क्वालिटी के आलू 16 से लेकर 17 रुपए किलो तक बिके हैं, और ज़्यादा हल्की क्वालिटी के जो डैमेज आलू हैं 14 से 15 रुपए किलो तक, हाइब्रिड आलू 14 से लेकर 15-16 रुपए किलो तक बिके हैं आज, और ज्योति एमपी वाला 17 से 18 रुपए किलो तक बिक रहा है, और ज्योति का गुल्लक 11 से लेकर 12 रुपए किलो तक बिक रहा है एमपी का, मध्य प्रदेश का, और एमपी का जो चिप्सोना है जो वेफर पास है वो 16 से 18 रुपए किलो तक बिक रहा है, और एमपी का जो चिप्सोना जो वेफर फेल है वो 12 से लेकर 15 रुपए किलो तक बिक रहे हैं मुंबई की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद गुजरात की, तो अहमदाबाद गुजरात में पुखराज आलू गुजरात का हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपए किलो तक, बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर अच्छी क्वालिटी का आलू वो लगभग बिक रहा है 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक पुखराज, और बादशाह 15 से 17 रुपए किलो तक बिक रहे हैं गुजरात के, और आगरा की दो गाड़ी हैं, एक बड़ी गाड़ी है एक छोटी गाड़ी थी आज, वो 17 से लेकर 18 रुपए किलो तक बिकी है गुजरात की अहमदाबाद मंडी में। बात करते हैं दोस्तों अकोला महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे आलू आज वीवीआईपी आलू बढ़िया 16 से लेकर 18 रुपए किलो तक बिके हैं, और हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक बिके हैं, और लगभग जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 13 से लेकर 15 रुपए किलो तक बिका है, बहुत बढ़िया वीवीआईपी अच्छा आलू, और हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 13 रुपए किलो तक बिका है, और चिप्सोना 13 से लेकर 14 रुपए किलो तक बिके हैं जयपुर की मंडी में। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों लगभग जयपुर में 40 गाड़ी है दोस्तों, बात कर लेते हैं जोधपुर की मंडी में, तो लगभग 10 गाड़ियां जोधपुर में, और जोधपुर में एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू 14 से लेकर 15-15.5 रुपए किलो तक बिके हैं, और हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपए किलो तक बिके हैं। ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान की जोधपुर जयपुर मंडी में ही तेज़ी अगर स्थिर हो गई तो ये लोग बड़े बूढ़े जो आलू वाले जो कहते हैं अगर जयपुर और जोधपुर मंडी अच्छी रेट बिकने लगी समझ लो तो आलू की भविष्य आलू का बढ़िया है, ये उनके विचार हैं भाई। अब बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर की, तो बेंगलोर भी टाइट है आज, बेंगलोर में आज बढ़िया आलू बिके हैं आपके 21 रुपए किलो तक, 20 से लेके 21 रुपए किलो तक बढ़िया आलू, और हल्की क्वालिटी का 17 से लेके 18 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। अभी तक दोस्तों बेंगलोर वही बिक रही थी आपकी 19 रुपये आज 21 रुपए किलो बिकी है, तो बढ़िया है। बात करते हैं दोस्तों मैसूर मंडी की, तो मैसूर में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 19 से लेके 21 रुपए किलो तक बिका है बढ़िया, और हल्की क्वालिटी का 18 से लेके 19 रुपए किलो तक बिका है। दोस्तों ये भाव मैं इसलिए आपको मंडियों के बताता हूँ कि जितने भी किसान हैं उनको अपडेट बनी रहे, एक एनालिसिस वो भी कर लें कि उस दिन ये रेट बिकी थी आज रेट शर्मा जी ने बताई ये रेट, तो हाँ आलू में कितना कितना उछाल है, तो ये लोगों को आइडिया एक हो जाता है। बाकी तमाम मंडियाँ भारत में बड़े बड़े व्यापारी अच्छे अपने ऑर्डर पर भरते हैं और जाने कहाँ कहाँ आलू बेचते हैं, तो वो बाकी दोस्तों वो चीज़ धीरे धीरे ही पता चल पाती है, मुझे क्या मालूम है कहाँ बेचते हैं, बाकी रेट बढ़िया मिलना चाहिए किसान को, सिर्फ हमारा उद्देश्य है। बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद मंडी की, तो आलू आज वहाँ पे 20 रुपए से 21 रुपए किलो तक बढ़िया आलू बिके हैं, और हल्की 300 तो ज़्यादा बिक रहा है दोस्तों हैदराबाद में, और हल्की क्वालिटी का 18 से लेकर 19 रुपए किलो तक, दागी 17-18 रुपए किलो, लगभग 45 गाड़ी हैं हैदराबाद की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना में एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 18 से लेकर 19 रुपए किलो तक बिके हैं बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी का 15 से लेकर 16 रुपए किलो तक बिके हैं, एक आध लॉट 19 रुपए किलो बिका है दोस्तों, बाकी हल्की क्वालिटी नॉर्मल 17 से 18 रुपए किलो तक बिके हैं, लगभग 32 गाड़ी की दोस्तों आमद है, आमद भी ज़्यादा है और बिक्री भी हो जाती है, बैलेंस कहीं बचता नहीं है, यही एक अच्छा संकेत है आलू के लिए। बात करते हैं दोस्तों चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 21 से लेकर 22 रुपए किलो तक बिका है, और हल्की क्वालिटी का 20 से लेकर 21 रुपए किलो तक बिका है, लगभग 18 गाड़ी की आमद है चेन्नई की मंडी में। ठीक है दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की, तो आज़ादपुर मंडी की दोस्तों एक मेरे को कुछ यूट्यूबरों से शिकायत है, जो लोग 7:30 बजे 8 बजे ही भाव डाल देते हैं मंडी का, मैं मंडी खुद घूम के आया हूँ, ध्यान रखना मंडी में बिक्री जो नॉर्मल, देखो एक तो आड़ती के पास माल पहुंचा, किसी किसान ने माल भेजा, आड़ती ने सुबह से ही अपना मन बना लिया मैं आज इस आलू को ये रेट बेचूंगा, एक तो वो हो गई अपडेट, एक अपडेट हो गई जो पैकारी जो मंडी से एक्चुअल माल खरीद के जा रहा है, जो एक्चुअल बिक्री हो रही है वो मंडी की अपडेट, वो लोग क्या करते हैं, वो तो सिर्फ उनको आलू उनको सिर्फ अपडेट देने से मतलब है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इस भ्रम में ना पड़े दोस्तों। बहुत से किसान मेरे पास फ़ोन करते हैं, वो जो कहते हैं अरे शर्मा जी हमने तो वीडियो में देखा था इस रेट आलू बिक रहा है, वहाँ जाके हमारा ये रेट बिका, तो बहुत से आड़तियाँ जो अच्छे हैं उनकी भी शिकायत यही है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों अपडेट जो एक्चुअल अपडेट होती है 10 बजे के बाद मिल पाती है, और 10 बजे के बाद पता चलती है जब पैकारी आता है कि आलू क्या रेट बिक रहा है। 7:30-8 बजे कोई पैकारी आप भी खुद दिमाग लगाओ मंडी में नहीं पहुंचता, नहीं इतनी जल्दी खरीद होती है, और दिल्ली में खासकर 10 बजे के बाद बढ़िया बिक्री शुरू होती है ग्राहक आना। बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर आलू की, 37-97 वो 700 से लेकर 750 रुपये तक 800 रुपये तक बिके हैं आज दिल्ली आजादपुर की मंडी में, हल्की क्वालिटी का 37-97 650 से 700 रुपये तक बिका है, चिप्सोना 84 का 850 रुपये तक बिके हैं, चिप्सोना बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर 750 से लेके 800 रुपये तक बिका है, वो सॉरी अलीगढ़ वाला 750 से 800 रुपये तक, चंदौसी वाला 850 से 900, सूर्य एक्स्ट्रा सुपर 1000 से 1100 रुपये तक बिके हैं, सूर्य हल्का वाला 750 से 780,
LR 800 से 825, तो यही रेट है दोस्तों मंडी के, और ये मंडी में जो बिक्री हो रही है उसके रेट हैं अभी के, तो इसी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आज आमद भी कम है दिल्ली आजादपुर की मंडी में, और थोड़ा सा तेज़ी आलू में, तो लोग सोच रहे हैं कि एक दो दिन और रुकें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक। हाँ, और एक और बात, कोल्ड स्टोर पे आलू की बताऊँ दोस्तों, तो हमारे यहाँ 875 रुपये तक सौदा हो रही है एक आध कोल्ड स्टोर में, बाकी 850 नॉर्मल आलू काफ़ी रेट बिक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।